इस वीडियो के माध्यम से हम ये कवर करेंगे कि कई कंपनीज जो डोर शीट से डोर फ्रेम्स बना रही है उसमें और प्री एक्सट्रूडेड डोर फ्रेम टेक्नोलॉजी में उसके और डोर्स से बने डोर फ्रेम्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है कि वो अल्टीमेटली एक जुगाड़ है और वो एक सही प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज जस्ट नॉट अ गुड प्रोडक्ट। वो एक सिर्फ और सिर्फ डोर की शीट के अंदर से अलग अलग साइजेस के ऊपर कट लगा के डोर फ्रेम्स बनाना इज नॉट अ राइट टेक्नोलॉजी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, जो स्ट्रेंथ होती है उसकी, क्योंकि वो एक 50 mm या 70 mm का डोर बनता है और वो डबल लेयर प्री एक्सट्रूडेड से बनता है, तो जब दो लेयर्स डोर की आपस में मिलके फ्यूज होके एक्सट्रूड होती हैं तो कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ वीक रहती है और जो आपस में जो बॉन्डिंग लेयर है उसके खुलने के भी कुछ टाइम के बाद चांसेस रहते हैं। और ऐसा पाया गया है कि बहुत जगह उनके अंदर जो बॉन्डिंग लाइन है वहां पर क्रैक्स ऑब्जर्व किए गए हैं जब डोर का लोड उसके ऊपर पड़ा है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, उन डोर की जो डेंसिटी है वो 0.7 रहती है और उससे जो डोर फ्रेम्स बनते हैं वो 0.7 डेंसिटी के डोर फ्रेम्स ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि डोर शीट को 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच या 6 इंच की साइजेस पे अलग अलग काट दिया जाता है और उन डोर्स की शीट से जो बने हुए डोर फ्रेम्स होते हैं उस प्रोडक्ट की डेंसिटी 0.72 के आसपास होती है, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड डेंसिटी फॉर डोर फ्रेम एप्लीकेशन। यानी डोर फ्रेम एप्लीकेशन जिसके ऊपर पूरा दिन डोर ने हैंग होके चलना है, 20-30 बार डोर खुलना है बंद होना है, 0.72 डेंसिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक बहुत कम डेंसिटी है डोर फ्रेम एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए मिनिमम डेंसिटी मिनिमम 1000 होनी चाहिए, दैट इज अ रिकमेंडेड मिनिमम रिकमेंडेड डेंसिटी। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो बड़ा मेजर है कि उसके अंदर एक एनकैप्सुलेशन नहीं होती है, यानी कि जो हमारा डोर फ्रेम बनता है उसके अंदर 6 साइड पे 8 mm की पूरी एक ऑन ऑल द सिक्स साइड्स एक जर्मन एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि उसके छों साइड पे एक 1.4 रिजिड डेंसिटी की एक स्ट्रॉन्ग PVC की लेयर होती है जो अपने आप में एक प्रोडक्ट को बहुत स्टर्डी बनाती है। उससे क्या होता है कि जब आप स्क्रू करते हैं तो जो पताम वाला एरिया होता है उसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर 8 mm की लेयर और एक नीचे 8 mm की लेयर। दो लेयर्स के अंदर से जब स्क्रू पास करता है तो डेफिनेटली उसकी स्क्रू विड्रॉल स्ट्रेंथ बहुत बेटर हो जाती है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म फिनिश। तो डेफिनेटली यस, इसकी जो डोर शीट से डोर फ्रेम बनता है उसके अंदर ऊपर और नीचे की जो लेयर होती है उसका एक ग्लॉसी फिनिश होता है क्योंकि डोर्स एक्सट्रूडेड वैसे होते हैं, बट क्योंकि वो प्लानिंग करके बनाया जाता है तो बाकी की जो पताम वाला एरिया है और जो साइड्स वाले दो एरिया हैं उनके अंदर जो फिनिश होती है वो एक रफ फिनिश रहती है। उस रफ फिनिश के कारण अल्टीमेटली क्या होता है कि डेफिनेटली यस, वो प्रोडक्ट एक प्री फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं लगता है और जो प्री एनकैप्सुलेटेड या प्री एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट होता है जैसा हम बनाते हैं उसके अंदर डेफिनेटली 6 के 6 साइड्स पे फिनिश एक जैसी होती है। अगला मेजर पॉइंट ये होता है कि डेफिनेटली यस, जब एक डोर शीट से कट करके डोर फ्रेम्स बनता है तो उसकी जो वाटर और मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पोरस जो सरफेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और जो अगला पॉइंट है कि डेफिनेटली यस, क्योंकि ये एक प्री एक्सट्रूडेड फॉर्म में नहीं बनता है तो डेफिनेटली यस, इसको मैंडेटरली आपको पेंट करना ही करना है और पेंट करने के कारण डेफिनेटली उसकी जो एक कॉस्ट है और जो टाइमिंग उसमें इन्वॉल्व होता है थर्ड एजेंसी को इन्वॉल्व करने का वो अननेसेसरली बढ़ता है। तो डेफिनेटली यस, डोर्स की शीट से बने हुए डोर फ्रेम्स से डेफिनेटली आपको ये समझना है कि दैट इज जस्ट अ जुगाड़। वो अपने आप में एक जुगाड़ है, वो एक सही प्रोडक्ट नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से आर्किटेक्ट्स को, हॉस्पिटल्स को, जितने भी ग्रुप हाउसिंग बिल्डर्स हैं उनको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वो एक 8x4 की शीट या 7x3 की शीट लेके अगर डोर फ्रेम बनाने की सोच रहे हैं या ऐसी कंपनी से डोर फ्रेम लेने की सोच रहे हैं जो डोर की शीट से कट करके आपको प्री फिनिश प्रोडक्ट नहीं दे रही बट वो सेल करने की कोशिश कर रही है, तो आप प्रिपेयर रहिए कि आप एक सही प्रोडक्ट नहीं चूज कर रहे हैं। And last but not the least, कोई भी influencer, चाहे वो architect हो, interior designer हो, timber merchant हो, अगर इस product को अगर वो promote करता है तो ultimately वो क्या कर रहा है? उससे better तो ये है वो timber को promote करे।
क्योंकि एक नया प्रोडक्ट जो एक कन्वेंशनल प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है, ये सोच के कि हमें इस इंडस्ट्री को, एक पूरे कंट्री को एक बेटर प्रोडक्ट देना है, उसके बदले में अगर हम एक घटिया सब स्टैंडर्ड जुगाड़ प्रोडक्ट जो कि डोर शीट से बना हुआ डोर के फॉर्म में अगर देते हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी इंडस्ट्री को एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री को एक लॉन्ग रन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा।